नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद चंदौली पहुंचे हैं। वहां कैबिनेट मंत्री के विभागीय योजनाओं का स्थानीय निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री ने निरीक्षण भवन में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अनुदान देकर मछुआरों को आगे बढ़ाने का काम लगातार किया जा रहा है। इसके साथ ही बोले, अंग्रेजों मुगलों ने शिक्षा को, स्वास्थ्य को उजाड़ रखा था। बीते 70 सालों में पिछली सरकार ने दुष्ट करने का कोई प्रयास तक नहीं किया। मछुआरा कल्याण कोष के जरिए मछुआरा समुदाय के लोगों के लिए मकान, शिक्षा, गंभीर बीमारियों में इलाज का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 और हाउसिंग बोर्ड के लोगों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज सेक्टर वासियों को करीब 6.5 करोड़ की सौगात देते हुए सेक्टर और हाउसिंग बोर्ड की टूटी पड़ी सड़कों का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया है। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि काफ़ी लंबे समय से टूटी पड़ी सड़कों से लोग परेशान थे, जिनका आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। जल्द ही सेक्टर की सभी सड़कें बनाई जाएंगी ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। सबसे बड़ी सौगात 6.5 करोड़ की लागत के सेक्टर 62 की सड़कें बनेंगी और पूरे हाउसिंग रोड जितना भी है सबको हम RMC की रोड बनाएंगे, पूरे हाउसिंग रोड की, और जो सेक्टर की रोड है उनको सबको हम तारकोल की रोड बनाएंगे। और ये रोड सारे सेक्टर 62 के पूरे सड़कों का एस्टिमेट है और कुछ सड़कें हैं उनकी बाद बनाने का एस्टिमेट बनाएंगे और इसे सेक्टर के लोगों को लाभ होगा। मंत्री साहब, कहीं ना कहीं लोग परेशान थे क्योंकि सड़कें टूटी हुई थी, बरसात में पानी भर जाता था, तो अब कितनी राहत माने कि सड़क बनने से कितना फायदा लोगों को? सड़क बनने से सब कुछ, रोड से, हाईवे से शहर का विकास तो है और लोगों की जो पॉल्यूशन फ्री होता है उससे लोगों को लाभ मिलता है और गाड़ी में जो नुकसान हो उससे भी मुक्ति मिलती है। लखनऊ के सदर क्षेत्र के कोऑपरेटिव बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया गया है। ये उद्घाटन सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने किया। मंत्री JPS राठौर ने बताया कि प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में आज सभी शाखाएं फायदे में चल रही हैं। इस नई शाखा में 500 बैंक अकाउंट खुलवाने का लक्ष्य रखा गया है। जल्दी इसको पूरा भी किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि अगर हम कोई काम करेंगे और उसमें जनता से संवाद नहीं करेंगे, जनता तक उन कामों को पहुंचाएंगे नहीं, तो वो कहावत होगी चरितार्थ की, जंगल मोर नाचा किसने जाना। तो अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो जनता तक संवाद करके उन तक इन योजनाओं की जानकारी भी देते हैं, तो उससे क्या होता है कि योजनाओं का लागू होना भी सही ढंग से होता है, उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार गड़बड़ी भी नहीं होती है। दूसरा, अधिकारी कर्मचारी भी डरे रहते हैं कि किस तरीके से ये तो आके भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि यहाँ पर बता देंगे। सर, UP और CBSE बोर्ड के बाद कल ISC और ICSE बोर्ड ने अपने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित किए। इसमें CMS स्कूल के मोहम्मद आर्यन तारिक ने नेशनल लेवल पर 99.75% अंक अर्जित करके टॉप किया है। राष्ट्रीय स्तर पर CMS के कुल 3 विद्यार्थियों ने टॉप 3 रैंक हासिल किया। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी मेघावियों को सम्मानित और पुरस्कृत करते हुए कहा कि सभी मेघावी इस देश के भविष्य हैं। मॉन्टेसरी स्कूल के गोमती नगर एक्सटेंशन शाखा में आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है जान करके कि इस विद्यालय के में टोटल 6,650 बच्चे ISC या ICSE का इम्तहान का जो कल रिजल्ट आउट हुआ उसमें शरीक हुए थे और इन 6,650 बच्चों में कुल मिलाकर के 4,169 बच्चे 4,169 बच्चे ऐसे हैं जिनको 90% या 90% से ज़्यादा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है विद्यालय के लिए, तो मैं तो इस पूरे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के पूरे समूह को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा, उन इनके प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, इसके मैनेजमेंट को, कि बच्चों का इतना बढ़िया रिजल्ट आया। मुझे इस बात की खुशी है जान करके कि इस विद्यालय से पूरे देश का पहला रैंक जो बच्चा है वो है मोहम्मद आर्यन तारिक,
जिसको पहला रैंक आया है। इस विद्यालय से 3 बच्चों का दूसरा रैंक आया है और 4 बच्चों का तीसरा रैंक आया, यानी 8 बच्चों का मेरिट में टॉप 10 में यहाँ पे स्थान आया हुआ है। इसके अलावा हमारे नकद 99% से ऊपर नंबर पाए और एक एक लाख रुपये पुरस्कार दे रहे हैं। लखनऊ में 6 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बता दें कि पकड़े गए लुटेरे मोबाइल चैन लूट कर काम करते थे। बता दें कि हसनगंज पुलिस ने 6 लुटेरों को दबोचने में सफलता हासिल करी है। पकड़े गए लुटेरों के पास से मोबाइल सहित लूट का सामान भी बरामद हुआ है। मैंने कहा इसमें पूरी लिंक है कि स्नैचिंग करना, स्नैचिंग के फोन्स को प्रोक्योर करना और स्नैचिंग के फोन्स को प्रोक्योर करके बेचना, ये जो पूरी लिंक है इसको एस्टैब्लिश करते हुए पूरे गिरोह को पकड़ा गया। मोबाइल सहित लुटेरे गिरफ्तार हुए, हसनगंज पुलिस को मिली है इसमें बड़ी सफलता। लखनऊ में 6 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ मौजूद हैं। कलीम, 6 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, उनके पास से मोबाइल और चैन लुटे हुए सामान भी बरामद हुए, क्या जानकारी इसको लेकर आ रही है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से पुलिस ने आज एक खुलासा किया है जिसमें जो है लोगों को गिरफ्तार किया, ये कोई सातिर नहीं, ये सातिर लुटेरे हैं जो लगातार भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं को निशाना बनाते थे, उनके पास से पर्स और चेन के साथ साथ मोबाइल की लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल आज इनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद ये जो लोग हैं, इनके क्योंकि सभी युवा हैं, युवा होने के साथ साथ आखिर ये लोग इस गिरोह में कैसे पहुंच गए, लूट की घटनाओं को कैसे कर रहे हैं, इन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच करने की बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग भी ये पकड़े गए हैं लुटेरे, ये सभी बेरोजगार हैं। बेरोजगार होने के साथ साथ जिस तरीके से लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे, तो इसमें ये लोग और एक बड़े गिरोह से शामिल होने की जो बात सामने आ रही है, क्योंकि अभी लगातार जो ये गैंग, ये काफी सक्रिय हुआ है, क्योंकि इससे पहले इस गैंग पर पूरी तरीके से लगाम लग चुका था, लेकिन जिस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ रही थी, तो इसको लेकर बाइकर्स गैंग के खिलाफ एक अभियान भी चला है जिसमें पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली। लेकिन इनके पास से जिस तरीके से सामान की बरामदगी हुई है, तो साफ कहा जा सकता है कि ये अब सातिर लुटेरों में शामिल हो चुके हैं और इनका गैंग भी बढ़ चुका है। फिलहाल जो इसका पूरा नेटवर्क है, इसको भी पुलिस खंगालने की बात कर रही है। इसके साथ ही कह रही है कि जिस तरीके से जो बाइकर्स गैंग है उन पर भी पूरी तरीके से लगाम लगेगा, जिसको लेकर के जिस तरीके से लूट की घटनाएं हो रही हैं उस पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। और इसको लेकर के जगहें भी चिन्हित की गई, जैसे बाजार हो गया या फिर सुनसान रास्ते हो गए, उन जगहों पर सिविल ड्रेस में पुलिस को तैनात करने की बात कही गई। सिविल ड्रेस में पुलिस को जो है निकलने की बात कही गई कि वो पूरी तरीके से जो है राउंडअप लेगी कि किसी को भनक भी ना हो कि ये पुलिस है, और जब घटनाएं हों तो पुलिस उस पर तुरंत एक्शन ले सके। फिलहाल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सफलता मिली है, तो पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर साफ नजर आ रही है। कलीम, कई लड़के इसमें कम उम्र के भी नजर आ रहे हैं, कितने सालों से ये इस काम को अंजाम दे रहे थे? देखिए, जिस तरीके से ये जो युवा है, युवा ज्यादातर इस जिस तरीके से ये जो घटना सामने आई है इसमें जिस तरीके पकड़े गए हैं, तो ये सभी बेरोजगार युवा हैं, क्योंकि जिस तरीके से रोजगार नहीं है तो कोई किसी शौक के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, कोई किसी तरह की घटनाएं, लेकिन जिस तरीके से ये सभी युवा हैं और जिस तरीके से ये लोग एक संगत कही जाए, जिस संगत के कारण ये सभी एक मित्र हुए, मित्रता के दौरान सभी लोग बाइकर्स पे निकलते हैं और जगह चिन्हित करते हैं, देखते हैं और उसके बाद दूसरे को इशारा देते हैं, तब तक दूसरा इस घटना को अंजाम देकर के निकल जाता है और ये लोग वहां पर पहुंच करके लोगों को गुमराह करने में भी लग जाते हैं। फिलहाल जिस तरीके से युवा है, आखिर ये लोग इस तरीके के लूट की घटनाओं में कैसे शामिल हुए, इस पर जो है पुलिस जो है तफ्तीश करने की बात कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं को भड़काने की बात की जा रही है, क्योंकि युवा इस गिरोह में लगातार देखे जा रहे हैं या फिर जो अभी जो घटनाएं लगातार सामने आ रही है उसमें भी युवाओं का शामिल होना साफ बताया गया था, जिसको लेकर युवा बाइकर्स पर साफ निगाह है पुलिस की। तो इसको लेकर के एक अभियान जो चलाने की बात है, चाहे फिर रात की हो या फिर दिन की हो या फिर बाजार जब होती है उसमें भी सिविल ड्रेस में रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये जो युवा है इन पर खास निगाह पुलिस की है, जो लगातार चिन्हित करते हैं महिलाओं को, युवतियों को और जो बुजुर्ग हैं उनको चिन्हित करके घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब लगाम लगाने का जो दावा कर रही है वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आ रही है पुलिस।
जी गली में इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरदोई में पिहानी थाना क्षेत्र में बैंक मित्र के साथ लूट की घटना पुलिस ने खुलासा किया है। इसका बैंक मित्र से लूट करने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों पिहानी में पंजाब नेशनल बैंक में मित्र के साथ लूट हुई थी। लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से 95,800 रुपये, एक बाइक और अवैध असलाह व कारतूस बरामद हुआ। पूरा मामला पिहानी थाना क्षेत्र का है। ये थाना पिहानी में दिनांक 9/5 को एक बैंक मित्र से लगभग 1,25,000 रुपये की लूट हुई थी, थोड़ा ज़्यादा था उससे। शाम के समय तीन लोगों ने मोटरसाइकिल से तमंचा दिखा करके लूट लिया था। इस संबंध में पुलिस द्वारा कई टीमें लगाई गई थी। थाना पिहानी पुलिस लगातार लगी थी और वरिष्ठ अधिकारी भी इसका परिशीलन कर रहे थे, क्योंकि एक चैलेंजिंग घटना थी और अत्यंत कम अवधि में इसमें जानकारी की गई, मुखबिर मामूर किए गए, तो ज्ञात हुआ कि जो इस घटना से संबंधित अभियुक्त हैं वो थाना पिहानी क्षेत्र में ही आने वाले हैं, जिस पर पुलिस द्वारा इनको घेर मार करके पकड़ा गया। प्रयागराज में किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर व किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य कौशल्या नंदगिरी व राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे सत्या विनायक मॉल पीवीआर सिनेमा पहुंचे। वहां कई किन्नर और महिला बच्चों समेत विनायक मॉल पीवीआर सिनेमा पहुंचे। वहां उन्होंने द केरल स्टोरी देखी। कौशल्या नंदगिरी ने कहा कि इस पिक्चर को देखने व दिखाने का मकसद, हम सब सनातनी हैं और सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। आगे क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। सिनेमा हॉल में हम लोग ने द केरला स्टोरी मूवी हम लोग ने देखा। सभी किन्नर बच्चे और छोटे छोटे बच्चियाँ लोग के साथ में आज मेरे नेतृत्व में इस मूवी को देखा गया। इस मूवी को देखने का मेन उद्देश्य, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू को कैसे फुसला के प्यार में उन लोग फंसा के कैसे धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो इसके रोकने के लिए हम लोग में अब जितने हमारे सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं, इसको रोकने के लिए अब हम लोग को जागना चाहिए। और इस मूवी के माध्यम से कहीं ना कहीं इस संदेशा हम लोग तक पहुंचता है कि हम लोग अभी भी बहुत ही मतलब अपने धर्म को लेके बहुत हम लोग में संकुचित सोच है। अब हम लोग को उठ के या अपने को जागृत करके अपने धर्म के रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लखनऊ में सीमेंस की फाउंडर मिसेस गांधी पर टॉपर को पीटने का आरोप लगा है। 12वीं की टॉपर अरफान हसन खान के परिजनों ने मिसेस गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताते चले कि छात्र की मां का कहना है कि टॉपर अफगान खान को मेडल देने बुलाया था, मेडल तो दिया नहीं, बल्कि इस बीच छात्र की बेइज्जती की गई। अरहान इस घटना के बाद से डिप्रेशन में है। छात्र की माँ रबिया खान ने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर राबिया खान, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा बेटा पढ़ता है सीएमएस ब्रांच महानगर में, 12th के उसने अभी एग्ज़ाम दिए थे। मेरे बेटे का नाम है अरफान खान और उसके 93% मार्क्स आए हैं, तो उसको बुलाया गया था स्कूल में मेडल देने के लिए। मेरा बच्चा खुशी खुशी मेडल देने गया। मैं शहर में नहीं हूँ, मैं शहर से बाहर थी। मेरे बच्चे ने मुझे बोला, मुझे बुलाया गया, मैं चला जाऊँ। मैंने कहा चले जाओ, तो खुशी का मौका है, जाइए, आपने मेहनत की, उसका मिल रहा है आपको। वो गया वहाँ पे, वो वहाँ बैठा हुआ था, सिर्फ मुस्कुरा रहा था। क्या वो खुशी के मौके पे मुस्कुरा नहीं सकता या पीछे मुड़ के देख नहीं सकता अपने दोस्तों को? मिसेस गांधी उठ के आई, उसने उसको मारा, 4-5 थप्पड़ मारने के बाद मेरे बेटे ने उनसे पूछा, मैम क्या हुआ है? तो वो उसको कोने में ले जाके उसको फिर से मारा और बोली, इतना मारूंगी पुलिस की मार भूल जाओगे। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद बता रहे हैं कि कई दबंगों ने खुलेआम एक युवक को बेल्टों से बुरी तरह से पीटा, युवक को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं राहगीरों ने मारपीट का वीडियो बनाया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये घटना बाबूपुरवा थाना क्षेत्र का है। थाना बाबूपुरवा क्षेत्र में मारपीट से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था। इस संबंध में थाना प्रभारी से जांच कराई गई है। यह प्रकरण लगभग 3 माह पुराना है यह वीडियो। इस संबंध में थाना बाबूपुरवा पर पूर्व में FIR पंजीकृत की जा चुकी थी और जो अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है।
साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, वहां पे बकायदे एक युवक का दूसरा युवक पिटाई करता नजर आ रहा है, वो भी बेल्टों से। क्या जानकारी इसको लेकर, अभी तक क्या कार्रवाई की गई इस युवक के ऊपर? साधु की ये घटना बाबूपुरा थाना क्षेत्र की है और आज जब इसके बारे में जांच की गई तो जांच पता चला कि ये 3 महीने पुरानी घटना थी। ये कुछ 3 महीने पुरानी घटना में ऑलरेडी मुकदमा दर्ज हो चुका था। मुकदमा दर्ज होने के बाद में जो भी आरोपी थे उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा चुका था। हालांकि अब सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा था तो पुलिस ने उसको संज्ञान में लिया था। संज्ञान में जब जांच की है तो पता चला था कि बाबूपुरा थाने में ऑलरेडी इस पर मुकदमा दर्ज था। हालांकि पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए पूरे प्रकरण में जांच करके गिरफ्तारी कर ली थी। गिरफ्तारी करके जो भी आरोपी थे उनको जेल भेज दिया। अनिल, ये वीडियो कब का है और अभी हालात क्या अभी तक ये युवक पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? जी बता दूं कि लगभग 3 महीने पुराना वीडियो था। 3 महीने पुराना वीडियो तो लेकिन अभी वायरल हो रहा था। जब अभी वायरल, कल से वायरल हो रहा चालू हुआ सोशल मीडिया पे, तो पुलिस ने इसको पकड़ों को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने में जब पूरी जांच की तो जांच में पता चला है कि ये इसको मुकदमा दर्ज है। मुकदमा दर्ज करने के बाद में जो भी आरोपी थे उनको जेल भेजा जा चुका है। जी अनिल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। अलीगढ़ में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी सीपी गौतम की बुरी तरह हार के बाद सीपी गौतम के द्वारा कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं पर हराने का आरोप लगाया है। कांग्रेसी नेताओं पर आरोप लगाते हुए सीपी गौतम के द्वारा आमरण धरना प्रदर्शन शुरू करते हुए आरोपी वरिष्ठ नेताओं पर कार्यवाही की मांग की है, जिसको लेकर उनके द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहने की भी बात की जा रही है। देखिए, मैं कल ही सुबह अनशन पर बैठ गया था, आज दूसरा दिन है और मैं भगवान परशुराम जी के को मानते हुए, सबको नमन करते हुए, मेरे साथ एक अन्याय हुआ और हाई कमान ने मुझे टिकट दी और आदरणीय विवेक बंसल जी ने मेरा प्रस्ताव किया, मेरी कमेटी में नाम भेजा और उसके बाद पूरे चुनाव में वो नजारत हो गई। मुझे अपार कष्ट हुआ है कि क्यों तो टिकट मिली और क्यों पूरा विवेक बंसल और विवेक बंसल जी का ग्रुप नजारत रहा। मैं बार बार 7 बार उनके पास गया, मेरी धर्मपत्नी गई और वो नहीं आए नज़र। उसके बाद वो सभासदों में मेरे विरोध में काम करते रहे। बाराबंकी में रामनगर थाने की पुलिस की रात्रि गश्त के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि एक ही रात में 2 घरों में चोरी हुई है। पुलिस की गश्त फेल हुई तो लेकिन ट्यूकी गांव की हुई चोरी का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बता दें कि नकदी समेत लाखों रुपए के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ किया है। वहीं 2 रिटायर्ड फौजी लगे भाइयों के घर पर भी चोरी करके लाखों का सामान उड़ा दिया गया है। पूरा मामला रामनगर थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी महादेवा के अंतर्गत गरी गांव का है। बल्लभगढ़ विधायक और कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार पंडित मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। इस मौके पर उनके साथ विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबंधित विकास कार्यों को जल्द पूरा करने और लोगों की समस्याओं को दूर करने की दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को गर्मी से में पीने के पानी की उचित व्यवस्था करने तथा आने वाले मानसून को के मद्देनज़र रखते हुए तमाम नालों की साफ सफाई के बारे में भी दिशा निर्देश दिए गए, ताकि मानसून में लोगों को जल भराव की समस्या से दो चार ना होना पड़े। कमी किसी की नहीं, हमको काम को गति को और गति के साथ निगम के जो काम है, या फैमिली आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, या मुख्यमंत्री की जो घोषणा है, उन कामों को जल्दी से जल्दी उनको पूरा करना है और नई एस्टिमेट की तैयारी करनी है। जो लोगों के काम बाकी हैं उनको भी तैयार किया और लोगों को इस तरह की पानी की समस्या, गर्मी का मौसम है और आने वाले समय बारिश का मौसम होगा, इन नालों की सफाई करनी है और पानी की कहीं किसी क्षेत्र में कमी ना हो और जल्दी से जल्दी सब क्षेत्र पूरे विकास काम को तेजी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।